तमिल और तेलुगु फिल्मों की एक्ट्रेस काव्या थापर। काव्या थापर एक ऐसा नाम जो कि तमिल और तेलुगु फिल्मों में काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं और काव्या थापर को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको मैं विस्तार से इसके बारे में बताता हूँ कि काव्या थापर को मुंबई पुलिस ने क्यों गिरफ्तार किया है। उनके ऊपर अधिकारियों से बदतमीजी करना और मुंबई पुलिस के साथ गाली गलौज करना, शराब पीकर गाड़ी चलाने का आरोप है। ये सारे आरोप काव्या थापर के ऊपर लगे हुए हैं और काव्या थापर ने यहाँ तक अपनी सफाई में कहा है। एक्चुअली मामला ऐसा हुआ कि काव्या थापर ने अपनी गाड़ी से किसी एक व्यक्ति का एक्सीडेंट कर दिया था जिससे एक व्यक्ति घायल हो गया और उसके बाद पुलिस जब आई तो काव्या थापर ने पुलिस के साथ अभद्र भाषा का व्यवहार किया, बदतमीजी की, लड़ाई झगड़ा किया। इस पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। मीडिया में जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक काव्या थापर ने पुलिस के साथ बहुत ही ज़्यादा हाथापाई, बदतमीजी और गाली गलौज किया है और दूसरी और कोई उपाय नहीं था जिसके कारण से काव्या थापर को गिरफ्तार करके पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। और काव्या की बात करें तो वो मुख्य रूप से साउथ की फिल्मों में दिखाई देती हैं। वो एक्चुअली वो रहने वाली महाराष्ट्र की हैं और अपनी स्कूली शिक्षा भी बॉम्बे से पूरी की है, लेकिन उन्होंने अपना जो कैरियर है फिल्मों का वो उन्होंने तेलुगु और तमिल फिल्मों में काम किया, जिसके कारण से काव्या थाकर को मुंबई में कोई नहीं जानता है। उन्हें तमिल और तेलुगु की स्टार कहा जाता है, लेकिन शराब पी करके गाड़ी चलाने के आरोप में और पुलिस से बदतमीजी करने के आरोप में काव्या थापर जेल के अंदर बंद हो गई हैं।